नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान में कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी थी, ऐसे में झड़प की कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जो नेताओं और उनके समर्थकों की थी। वो तस्वीरें आपको दिखाएं, उससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा में आज चुनाव के दौरान कई दिग्गजों ने वोट डाला, जिसमें हरियाणा के सीएम नारायण सैनी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई, अनिल विज, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जुड़ाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट, मनु भाकर शामिल रहे। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार हो या फिर बीजेपी के, सभी ने अपनी जीत का दावा किया, लेकिन अनिल विज ने तो बीजेपी की जीत के लिए गाना तक गा दिया जो इस वक्त काफी वायरल भी हो रहा है। पंजाब से कोई, महाराष्ट्र से कोई, यूपी से है कोई, बंगाल से कोई, पंजाब से कोई, महाराष्ट्र से कोई, यूपी से है कोई, बंगाल से, कमल का फूल हम सब खिलाएंगे हम। जाओ, थैंक यू। यहां आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हैट्रिक लगाने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस को राज्य की सत्ता पर 10 साल बाद वापसी की उम्मीद है। चुनावों के रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिर कौन बाजी मारेगा। लेकिन अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां हाथापाई हुई, झड़प हुई और वो तस्वीरें सुर्खियां बन गई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं नूह की तस्वीर, जहां पर नूह जिले की पुनहाना विधानसभा के गांव ख्वाजा कला में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इलियास और निर्दलीय उम्मीदवार रहीस खान के समर्थकों में हाथापाई हुई, जहां पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। इसी तरह से फतेहाबाद के बूथ नंबर 23 और 25 पर हंगामा देखने को मिला। ठीक इसी तरीके से इंद्री विधानसभा से भी एक वीडियो सामने आया जो कांग्रेस उम्मीदवार राकेश कंबोज का था, जिसमें वो काफी बहस करते हुए नजर आ रहे थे। वो वोटर्स के साथ काफी बहस कर रहे थे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामले को संभाला। फिलहाल कई और जगह से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, क्योंकि हरियाणा के चुनावी रण में हर कोई जीत को फतेह कर लेना चाहता है। यहां आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने 90 में से 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने भी 89 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। सीपीएम एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। जेजेपी, आजाद समाज पार्टी, गठबंधन 78 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से जेजेपी ने 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 12 सीटें एएसपी को दी हैं। आईएलएनडी 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसने अपने सहयोगी बीएसपी को 35 सीटें दी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर दांव लगाया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें 101 महिलाएं हैं और अब इनकी किस्मत का फैसला 8 अक्टूबर को होगा, जब चुनावी नतीजे आएंगे जो बताएंगे कि आखिर कौन हारा और किसने बाजी मारी। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।